देखिए पार्टी का संगठन का 4 साल बाद रिवीजन हुई है और मेरी ड्यूटी भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है। सारा संगठन प्रदेश भर में कार्य कर रहा है और यही टारगेट है कि संगठन का पूर्ण निर्माण भी हो, मजबूती भी हो और उसके उपरांत काम किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बीजेपी ने अपनी तरफ से बजा दिया है और सिरसा जो कि आपका गृह जिला है वहां से देखिए गृह जिला हर पार्टी को हर जगह प्रचार का अधिकार है और ये कहना किसका कहाँ बिगुल बजा है मैं ये नहीं मानता। राजनीतिक तौर पर हर एक व्यक्ति ये प्रयास करता है कि उसका संगठन मजबूत हो और मुझे लगता है कि उसके उपरांत सभी पार्टियां अपना प्रयास कर रही है। कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेजेपी भी कर रही है और अन्य दल भी कर रही है। गठबंधन में सरकार है तो क्या देखिए बीजेपी की रैली है, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की रैली, गठबंधन की या सरकार की होती तो जरूर आपकी तरफ से भी रैलियों का तैयारी। बिल्कुल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार सोनीपत में 2 तारीख को सोनीपत लोकसभा की रैली करी गई। जो मानेसर नगर निगम है, मानेसर नगर निगम में सरकार गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, पीछे भी कॉरपोरेशन के कमेटियों के चुनाव इकट्ठे लड़े हैं, दोनों पार्टी चर्चा करेंगी आने वाले भविष्य में, चुनाव डिक्लेयर होने तो निर्णय उसके बाद के। मानेसर नगर निगम मेयर की टिकट है वो जेजेपी खाते, मानने से आपके तो शायद कुछ नहीं होता मगर हम बिल्कुल यहाँ मेहनत भी करेंगे और यहाँ से अपनी ताकत भी दर्शाएंगे। नर्सिंग कॉलेज की भी आज आपने बिल्कुल पिछले दिनों जब भूपेंद्र यादव जी यहाँ पर आए थे हॉस्पिटल की स्थापना करने, हमने एक मांग रखी थी कि हॉस्पिटल के साथ नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए और उसके लिए 8.5 एकड़ ज़मीन हमने HSIDC में ईयरमार्क कर ली है। 1.5 एकड़ का प्लॉट है और 1.75 एकड़ का प्लॉट है, वो दोनों हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे और ESI द्वारा भी हमें लिखित में आ गया है कि वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। कुछ संशय आपके मन में हो सकता है, हमारे तो दोनों के नहीं है।